हे गाइस, हेलो, वेलकम टू कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं नीरज, और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि एक बार फिर से हम लोग ग्राउंड जीरो पर आप लोगों के लिए पेपर एनालिसिस के साथ उतरेंगे, काफ़ी सारी हमारी सारी टीम के साथ में। तो आइए सीधा टाइम को नहीं वेस्ट करते, स्टूडेंट से बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपने पेपर दिया था? हाँ मैडम। कैसा हुआ आपका पेपर? ठीक हुआ। लैंग्वेज क्या थी आपका? सब्जेक्ट क्या था? हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी सेकेंड संस्कृत। कोई क्वेश्चन आपको याद है कि कैसा? कोई भी एक क्वेश्चन आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? वैदिक दिवस कब मनाते हैं? बोलो बोलो कौन सा? नहीं, मैं तो नहीं बता। ओके 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 एक तो ये पूछा था आभूषण के अंदर जो टुस्सी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? और कोई क्वेश्चन? साइको कैसे? साइको के एकदम फैक्ट आए थे बिल्कुल। अगर कल का आपने पेपर देखा हो, आज का कल का पेपर आपने नहीं देखा है? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताए लेवल क्या? मीडियम था बिल्कुल। मतलब हम कह सकते हैं 90 प्लस। तो कोई और कोई क्वेश्चन? साइको के साइको के अंदर सिद्धांत पूछे थे डायरेक्ट फैक्ट। हाँ, और कोई अपनी और कोई जैसे सिद्धांत, वो पांच सिद्धांत दिया था उसने, पांच। मैथमेटिक का कोई क्वेश्चन? मैथमेटिक है नहीं मेरे पास, एस एस है मेरे पास। और कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का, अगर आपको याद है? हिस्ट्री का तो ये है, चलो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो सर, आपका पेपर कैसा हुआ? ठीक, अच्छा हुआ। कोई क्वेश्चन आपको याद है स्पेसिफिक? क्वेश्चन सील गुणों का सिद्धांत, और मीडियम पे पढ़ा, ज्यादा हार्ड भी नहीं। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन याद है? मैं मैथ्स से हूँ। तो कोई क्वेश्चन? मैथ्स का कोई, मैथ्स का इजी था मैडम से। क्या कोई क्वेश्चन आपको याद है? मैथ्स बहुत इजी थी, और मैथ्स के बारंबारता और ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं दी है, पर ज़्यादातर इनके क्वेश्चंस दिए हैं जो मनोविज्ञान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं मैथ्स के। बट इजी थी मैथ्स वालों के लिए, बहुत इजी लगा, और हिंदी तो बहुत इजी थी। स्पेसिफिक टॉपिक ही इस टॉपिक से? मोस्टली सारे टॉपिक थे, पर हाँ। साइको का कोई क्वेश्चन? साइको के ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके नाम हमको नहीं आते थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे वो थोड़े टफ थे हमारे लिए। साइंस का कोई क्वेश्चन याद? कुछ नहीं है। कोई भी एक क्वेश्चन, कुछ मैथ्स में जैसे ब्याज का था, चक्रवर्ती ब्याज का, दो का रिलेशन दे रखा था, वो थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा डिफरेंट कर रखा था उसको, वो थोड़ा टफ लगा, बाकी इजी था। कुछ दो तीन क्वेश्चन मैथ्स के टफ थे, बाकी साइंस वालों के लिए इजी था, बट आर्ट्स वालों के लिए आई थिंक सो टफ था, उनको जीके ज़्यादा दिया ऐसा सुना है। तो आप अगर ये हिंदी का कोई क्वेश्चन? हिंदी के अलंकार और ये सारे पूछा, अव्यय भाव पूछा है, अव्यय भाव और विश्लेषण वाले क्वेश्चंस भी थे, संधि भी थी, चिंतन की संधि थी, जैसे चित्तधन चिंतन की जो दे रखी थी वो भी इजी था, काफ़ी इजी पेपर थे। एक मुहावरा था, मुहावरा याद है आपको? हाँ, आई भूल गई, सॉरी भूल गई। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पेपर। लेवल कैसा था पेपर? बहुत अच्छा लेवल था। क्वेश्चन बता, होने चाहिए थे वैसे क्वेश्चन थे उसमें, थोड़ा सा मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो था टिपिकल था, थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअली था। ऐसे कोई क्वेश्चन आपको याद? अब क्वेश्चन तो मैम वहाँ पे ही आता, कुछ भी पूरे पेपर। थोड़ा सा साइकोलॉजी गलत हो गया, क्योंकि मेरे फेस जो है ना, मेरे फेस में इसमें जो है फोटो नहीं थी, यहाँ पे सेविंग लगी हुई थी, तो डिस्टर्ब थोड़ा सा कर दिया। आप बताए अगर तो कैसी थी व्यवस्था? बहुत अच्छी है मैम, कॉलेज की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं परीक्षक वगैरह जो भी है, अच्छा काम। हिंदी का कोई क्वेश्चन याद है? हिंदी का मैम मेरे को क्वेश्चन कोई सा भी याद नहीं है मेरे को उसी टाइम पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। तो अगर हम ये कहें कि पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल बिल्कुल इजी लेवल हम कह सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपका पेपर कैसा हुआ? ठीक था। ठीक था। चलिए, अभी सबको निकलने की जल्दी है, यहाँ पर थोड़ा मैं कहूँगी कि स्पेस भी थोड़ा सा कम है। हाँ जी, ओके ओके, अभी कोशिश करते हैं, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा आगे चले जाना चाहिए, है ना, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सभी से पूछने में। आपका पेपर कैसा हुआ सर? अच्छा हुआ, मतलब यही कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इधर आइए। कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ मैम। कोई क्वेश्चन आपको याद है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर हिंदी में, कोई क्वेश्चन याद है? कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट क्या था? मैथ था मैम। तो कोई क्वेश्चन? हाँ, अधिकतर वो उसका आयतन पूछा था, बेलन का हाइट पूछी थी, हाइट। साइंस का कोई क्वेश्चन याद? साइंस के भी क्वेश्चन अच्छा हुआ है, ऑल आवर पेपर साइकोलॉजी बहुत डेप्थ में आई है, अंदर से पूछी गई है। साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन
किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नो ये होता ही है, अगर हम इंस्टेंट पेपर से निकलें और पूछें तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आप पेपर देकर आई हैं तो आप कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैम आपका सब्जेक्ट कौन सा था? हमारा सब्जेक्ट SS था। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ बताओ, देखिए कोई क्वेश्चन अगर आपको याद सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह था। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तो कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। कल वाला सेम आया था, 88 दिन लगा था, थोड़ा कल तो सिर्फ छोटा सा आया, आज थोड़ा बड़ा आया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? कोई हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? हिस्ट्री का भी था, क्या बताऊं, फिर भी कुछ भी, कोई उत्सव पूछा हो, कोई पहाड़ पूछो? और नदी के बारे में आई थी, लूणी नदी की सहायक नदी है वो आई थी, और बहुत अच्छा हुआ। कोई पॉलिटिकल का कोई क्वेश्चन था? हाँ पॉलिटिकल पर बताओ। कोई कल्चर का कोई क्वेश्चन हो? हाँ कल्चर का भी था। बताओ कोई क्वेश्चन। और हमारे बहुत अच्छा रहा बाकी तो। कोई क्वेश्चन याद हो तो स्पेसिफिक बताओ, देखिए कोई कल्चर में कोई क्वेश्चन याद हो आपको? और एक आया था वो हिंदी का भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था, वो अपना। ओके थैंक यू सो मच। लेवल कैसा था पेपर का? लेवल मैडम एवरेज था। आपका सब्जेक्ट क्या था? SS। कोई क्वेश्चन याद है आपको? कुछ भी, एक भी कोई, जैसे अभी इन्होंने बताया कि सूर्य का सबसे पास वाला ग्रह कौन सा था। हाँ जी हाँ जी बताइए। हाँ जी, साइंस मैथ में एक दो गंगा परियोजना है, जो गंगा वो आया था एक क्वेश्चन, ये कल भी शायद पूछा गया था। हाँ कल भी पूछा गया था, गंगा योजना पहली बार। और गणित में थे वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। साइंस का कोई क्वेश्चन याद है आपको? साइंस मैथ के अंदर दो एक तो रोगों के नाम थे, दो तीन एक क्वेश्चन थे, और शिक्षण विधियों में बहुत इजी क्वेश्चन थे। कोई शिक्षण विधि का क्वेश्चन याद है आपको? शिक्षण विधि के अंदर तो उपरोक्त सभी वाले ज्यादातर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें आराम से रिजेक्ट करके एक आंसर दे सकता है कोई भी। शिक्षण विधि बिल्कुल इजी थी, इतनी हार्ड नहीं थी। ओके, और इसके अलावा? और गणित में जो विज्ञान थी थोड़े हटके थी, जैसे कोई विज्ञान और गणित शैली थी, जैसे गणित के अंदर जैसे एक क्वेश्चन तो रवि की फसल, ऐसे कुछ कुछ चार पांच क्वेश्चन तो बहुत इजी थे विज्ञान में, तो विज्ञान में तो चार पांच क्वेश्चन इजी थे। रोगों के बारे में पूछा नहीं, टफ था बस। रोगों के बारे में पूछा, रोग डिजीज के बारे में? हाँ रोग के बारे में पूछा था ना उसने, सुजाग रोग के बारे में पूछा था, जो सुजाग रोगों ने और पूछा था उसने एक दो, बस दो तीन ही रोगों के बारे में। ओके और हिंदी के कोई क्वेश्चन याद है? संधि तो वही है, संस्कृत में दंते वो एक दीर्घ संधि का था, तत्पुरुष था, बस यही थे और। ओके थैंक यू सो मच। आपको कुछ याद है? एक प्रश्न था इतिहास का कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे कौन सा सुल्तान सबसे पहले आया था? और इसके अलावा? इसके अलावा हिंदी भी मैडम बहुत इजी थी, उसमें संधि समास दीर्घ संधि वगैरह, और मतलब इसमें शिक्षण विधि भी इजी थी, और मनोविज्ञान भी बिल्कुल एवरेज था। कोई साइंस का कोई क्वेश्चन? साइंस नहीं थी, सामाजिक ज्ञान। और कोई हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री में तो याद नहीं है। पॉलिटिकल में संविधान के बारे में पूछा था कि मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, ये शायद कल भी क्वेश्चन है। हाँ, और एक उसके बारे में पूछा था कि मतलब कौन से संविधान से कौन सी चीज़ ली गई है। थैंक यू सो मच सर। अभी कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप पेपर ये देकर आ चुके हैं। मेरा नाम नीलम मिश्रा है। तो आपका सब्जेक्ट क्या था? मैम सोशल साइंस। तो कोई क्वेश्चन आप बता रहे थे? यस मैम, इसमें ये पूछा गया था कि इसमें मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, उनको मैच करने थे, और मुगल शासक में कौन कौन से जो गतिविधियाँ थी वो थी, और चौल राजवंश के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मतलब किस लिए फेमस है वो, हाथी के उसके लिए या किसके लिए। अदरवाइज इंग्लिश भी ठीक थी, हिंदी ज़्यादा बेटर आई थी। हिंदी का कोई क्वेश्चन याद है? इंग्लिश का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन याद है? इंग्लिश का तो मैम एक्चुअली क्या पैराग्राफ में से दिए थे, तो उसमें से आपको बताने थे कि स्ट्रक्चर्स क्या थे, और जो शिप है उसमें कौन सा वर्ड यूज़ होता है, S होता है या SH होता है, उसके सिंबल्स बताने थे हमको। अदरवाइज यस मैम। और कोई हिस्ट्री का कोई ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन? और नो मैम। ओके
थैंक यू सो मच। इसी तरीके से देखो आप एक बार, अगर पीछे भीड़ को देखो तो इतनी गर्मी हो रही है, पर बच्चे भी बड़े परेशान हो रहे हैं। पर चलो ये बात है कि हम ये कह सकते हैं कि पेपर लोगों का ना अच्छा हुआ है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि इनका पेपर किस तरीके से। मुझे लगता है कि कुछ लोग तो मुझे देख के ही डर जाते हैं कि ये अभी आ गई या पता नहीं ये क्या ही बोलेंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपका पेपर, आप पेपर देकर आ गई, कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ है। कोई सब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन आपको याद है स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन याद नहीं है। क्या सब्जेक्ट क्या है आपका? SST। कोई तो होगा कुछ, जैसे अभी वो बता रहे थे मरुद ध्यान के बारे में पूछा था, ऐसा करके कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, एक तो है वो जो वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा या महिला के द्वारा या दोनों के द्वारा या किसी के द्वारा? नहीं, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा कोई आभूषण पूछा? आभूषण भी पूछा था। ऐसे आभूषण जो वो टड्डियों, वो जो कंठ में पहनते हैं ना, उसका आया था। और कोई क्वेश्चन, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन याद हो? साइकोलॉजी तो टफ थी, साइकोलॉजी टफ थी, साइकोलॉजी थी। हाँ, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन तो क्या पता था उसका, कुछ नहीं याद है आपको? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आधे लोग तो मुझे डर रहे हैं देखकर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों डर रहे हैं। ठीक है मैम, आप में से किसी ने पेपर दिया है? कोई नहीं दिया है? ये फिर परमिशन लेटर किसी और का है? ओके 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 ओके। चलिए तो इसी के साथ और हम लोग मिलते रहेंगे आप लोगों को, इसी के साथ बने रहिए कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।